फिल्म उलिम में देखिएगा ना, लड़की सब नौटंकी करती है सर, तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी घुस जाती है सर तो नसबा काट लेती है सर। ये बकलोलिया ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सब सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत, एक बार मना दिए ना जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर दो मिनट पर उठेंगे लोग, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले, आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा, जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खा मत खा। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे कटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कब वो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे, जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, अपने यहाँ कहा जाता था जिसकी सास बहुत मानेगी उसी का मेहंदी लाल होगा, ससुरा चाइनीज मेहंदी लग गया है, जिसकी सास मर भी गई है उसका भी एकदम खतरनाक लाल कर देता है, और लड़कियाँ इसी को प्रीफर करती हैं, सुबह शादी में जाना है तो रात में लगाओ एकदम चटकार लाल कर देता है, और 2 दिन बाद ऐसा उजड़ता है जिसे लगता है कोर फूट गया, लेकिन लोगों के तत्काल जरूरत को पूरा कर देता है, किस किस चीज को रोकेंगे। महिलाओं का जो कॉस्मेटिक का आइटम है उस पे चाइना का कब्जा होते जा रहा है, लिपस्टिक को जो ठोड़ रंगने वाला होता है उससे लेके कॉस्मेटिक, एक से एक क्रीम पाउडर आ गया है ना कि आप चेहरा पे रंगिएगा तुरंत गोरा कर देते। हम लोग को चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में देखिए ना, मुनोचुआ का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला बाल काटने वाला था, इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को ना एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधड़ हो जा रहा है, इसे ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फाल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फाल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था, उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें। चाइना अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है। देखिए हमारे यहाँ बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है, बनारसी साड़ी देखिए बहन जी पहनी है कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन भारत ने अपनी बनारसी साड़ी एक सूडान नाम के देश को निर्यात किया, वहां से रिजेक्ट हो गए सब, भारतीय साड़ी बर्बाद हो गए, लेकिन वहीं पे चाइनीज साड़ियां चल गई, क्योंकि सूडान की जो महिलाएं होती हैं इस तरह से होती हैं, अब ई वाला साड़ी उनको पहना दीजिएगा तो लगेगा शमियाना ओढ़ ले भाई, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, उनकी हाइट 6 फीट होती है, हमारे यहाँ 5.5 फीट की लड़कियां होती हैं सब, तो साड़िया को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा ना, नहीं तो यही वाला पहना देंगे उन लोग को तो स्कर्ट की तरह लगने लगेगा, रिजेक्ट हो गया। हम लोग कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, चाइना बहुत ही ध्यान रखता है, वो कोई भी चीज बेचने से पहले अपने टॉप ग्रेड के अधिकारियों को भेजता है, अब पता करने के लिए कि पता करो वहां कस्टमर की डिमांड कितनी है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे भारतीय टॉर्च इस तरह के थे, ससुरा में महीना में 50 रुपया के सेले लग जाता था, चलाइए तो फिर ढीला हो जाता था, चलते चलते बुझ जाएगा, एक बार हमारे यहाँ सांप निकला था खोज रहे थे तो बुझ गया। गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे, एक देश हुआ करता था पाकिस्तान नाम था, जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता है चंदा मामा दूर के, वही पाकिस्तान ऐसा था, बाबू बाबू हल्ला मत करो नहीं तो पाकिस्तान की तरह थुराओगे। ससुरे तू लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया, तुम लोग तू लोग की वजह से पूरी दुनिया में ना मुसलमानों को गाली दिया जाता है, ये चट्टा क्या करेगा, कहीं जाकर बम फोड़ देगा। अरे यार तुमको इतने माँ के दूध में तोरा इतना गर्मी है ना, तो आओ ना हमारी फौज खड़ी है, काहे लिए पीछे से हमला करता है चट्टा कहीं का।